पी का कंप्यूटर में आज आप लोग को पढ़ाऊंगी। पार्ट दो कंप्यूटर परिवार। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम डाटा संचित कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड के बारे में पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे माउस, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस की मदद से स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित किया जा सकता है। माउस पर तीन बटन होते हैं। तो माउस पर बाएं बटन को दबाने से उसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट की। और माउस पर दाएं बटन को दबाने पर राइट की। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कागज पर डाटा प्रिंट करता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। फ्लॉफी डिस्क, फ्लॉफी डिस्क क्या है? फ्लॉफी डिस्क में डाटा संचित किया जा सकता है और कंप्यूटर पर किया गया कार्य फ्लॉफी डिस्क में किया जा सकता है। और फ्लॉफी डिस्क दो प्रकार के होते हैं, 5 सही 1/4 इंच वाली और 3 सही 1/2 इंच वाली। 3 सही 1/2 इंच वाली फ्लॉफी छोटी होती हुई भी डाटा अधिक मात्रा में संचित की जाती है। और फ्लॉफी डिस्क में फ्लॉफी डाउन में ही काम किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी फ्लॉफी डिस्क की तरह डाटा संचित करता है। सीडी में फ्लॉफी डिस्क से अधिक मात्रा में डाटा संचित किया जा सकता है। और फ्लॉफी डिस्क की अपेक्षा कॉम्पैक्ट डिस्क अधिक मात्रा में तेजी से कार्य करता है। तो आज का हमारा ये जो पाठ है यहीं कंप्लीट होता है। पीडीएफ में इसका क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिया जाएगा, जिसे अपने अपने कॉपी में लिखना है। थैंक यू।